एहसास से निदामत तो आपकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगा। ये आपका प्रॉब्लम, मेरा नहीं। कुछ भी शक किया था ना, तब आप उस पर एतबार भी कर सकते, बाहर निकाला। अपने फंसी अंकल को कल के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं बताया, कहना तो है मुझे। ड्रामे में अब सलमान साहब तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं। वो अपनी बेटी की खुशी के आगे हार ही जाएंगे और फिर उसे शमीर सिकंदर को अपने दामाद बनाने पर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कैना भी तो यही चाहती है। वो अपने बाप को बार बार रियलाइज करवाएगी कि हमारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किल थी सारी शमीर सिकंदर ने खत्म की है। अगर वो बुरा होता या उसका कोई और मिशन होता तो आज तक हमें कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाता। वो सिर्फ और सिर्फ शिप्रा से मोहब्बत करता है, जिसके बाद सलमान साहब तो मान जाएंगे, लेकिन उधर दाऊद सिकंदर कैसे मानेगा इस मकसद के लिए। उसे तो यही लगता है शायद सुलमान ने मुझसे बदला लेने के लिए शिब्रा का इस्तेमाल किया है, और वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाकर मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ करना चाहता है। इसी वजह से वो कोशिश करेगा कि वो महरीन से शमीर की शादी करवा दे, लेकिन अब शमीर शिब्रा के लिए अपने ही बाप के सामने खड़ा हो जाएगा, और शिब्रा से तो वो शादी करके ही रहेगा। यहाँ तक कि जब शिब्रा और शमीर की शादी के लिए कोई नहीं मानेगा तो शमीर सुसाइड अटेम्प्ट भी करेगा। कौन कौन शिब्रा और शमीर को एक साथ देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा, और मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।